शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने बुधवार सुबह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी मांगी है। इस बीच खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति केस का ठिकाना मनीष सिसोदिया पर फोड़ दिया है, जिसके बाद एक्स पर कई वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड यूजर्स बड़ी संख्या में इस दावे से जुड़े ट्वीट करने लगे हैं। अवकुश नाम वेरीफाइड एक्स यूजर ने लिखा, रिमांड को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, केजरीवाल घबरा गए और उनका शुगर लेवल डाउन हो गया। फिर घबराकर केजरीवाल ने कहा कि शराब नीति मनीष सिसोदिया का आइडिया था, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, भगवान ऐसा दोस्त किसी दुश्मन को भी ना दे। एक्स पर अंकुश जी ने 56,000 से अधिक फॉलोवर्स हैं, वही यूजर की बायो के अनुसार वे भाजपा से जुड़े हैं। इस घटनाक्रम में मेजर सुरेंद्र पूनिया ने भी ट्वीट किया। अपने ट्वीट में मेजर पूनिया ने लिखा, जो अपने बच्चों की कसम खाकर झूठ बोले और पाप करे वो कुछ भी कर सकता है, किसी का सगा नहीं है यह। मेजर पूनिया अपने ट्वीट पर एबीपी न्यूज की एक क्लिप को दिखाया है। इस क्लिप में न्यूज चैनल ने सीबीआई के हवाले से यह दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान शराब नीति केस से किनारा करते हुए सारा दोष सिसोदिया पर मर दिया। अभिषेक कुमार कुशवाहा नाम के एक्स यूजर ने भी एबीपी न्यूज की क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले का पूरा ठिकाना मनीष सिसोदिया को मर दिया, मामले से पल्ला झाड़ लिया, सिसोदिया को बलि का बकरा बना दिया अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि मैंने सिसोदिया पर शराब नीति के आरोप लगाए हैं, यह गलत है, मैंने कहा था कि कोई दोष नहीं है, सिसोदिया भी दोषी नहीं है। वहीं आपने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा, आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने अपना पल्ला झाड़ लिया और सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ही जज साहब के सामने कहा, सीबीआई झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। इसके बाद जज साहब ने बयान को देकर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं कहा, सीबीआई का दावा झूठा है। स्पष्ट है कि यह दावा कि शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिया है, पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। फेक न्यूज के खिलाफ हमारे साथ जुड़े कोई भी ऐसी सूचना जिस पर आपको संदेह हो, हमें व्हाट्सएप करें 9755615808 पर।